नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह मध्य प्रदेश में जनजातियां, जनजाति के अंतर्गत आज हम SC अर्थात अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुसूचित जाति और जनजाति इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी PSC हो गई, SI हो गई, MP पुलिस हो गई, कोई सी भी एग्जाम हो गई, यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनना है। यहाँ से आपके डायरेक्ट आंकड़े भी पूछे जा सकते हैं कि इनका प्रतिशत क्या है, इनकी साक्षरता कितनी है, साथ साथ सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी, कौन से जिले में मतलब ज़्यादा पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अनुसूचित जाति के ऊपर। तो अनुसूचित जाति के ऊपर जब आते हैं तो सबसे पहले हम इसके प्रतिशत की बात करेंगे, इसकी संख्या की बात करेंगे। तो इसकी जब संख्या की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर जब देखें तो यहाँ हमारे राज्य में 1,30,42,320 1,30,42,320 यहाँ इसकी जनसंख्या के आधार पर, अर्थात हमारे राज्य में जो जनसंख्या है उसका इतना अनुसूचित जाति है। तो इसमें जब प्रतिशत पे देखें तो यहाँ हमारे राज्य का 15.60% है। कितना है हमारे राज्य की जो जनसंख्या है उसका ये 15.60% है। अब इसको देश में देखते हैं तो देश में जब SC की बात करें तो इनकी जो प्रतिशत है वो 16.6% है, अर्थात 16.6% हमारे मतलब राष्ट्र में पाई जाती है। आगे थोड़ा देखते हैं कि 2001 में जो SC थी अर्थात अनुसूचित जाति थी, इनका प्रतिशत था आपका 15.2, जो कि आज 15.6 हो, ये जो आंकड़े हैं हमारे 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। तो इसमें इतना इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है, मतलब 0.4% पे इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। अब देखिए कि राज्य का और देश का ये प्रतिशत तो हमने देख लिया। अब देखते हैं वार्षिक वृद्धि, कि वार्षिक वृद्धि कितनी है, कि वार्षिक वृद्धि की जब बात करें तो 23.9% इसकी वार्षिक वृद्धि हो जाएगी। ये जो आंकड़े हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि जो SC की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है, तो आप सीधा बता देंगे 23.9%। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो प्रतिशत है वहां कितना था, 15.6%। यहाँ पे कंफ्यूज में मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे SC और ST इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि उनका प्रतिशत भी इससे थोड़ा बहुत लगता ही मिलता जुलता ही रहेगा। तो प्रतिशत देखा। अब थोड़ा सा आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 341 में जो सूचीबद्ध जातियां हैं, अर्थात आर्टिकल 341 में जो जातियों को सम्मिलित किया गया है उसे ही हम अनुसूचित जाति में शामिल करते हैं। तो आर्टिकल हो गया आपका, तो आर्टिकल कौन सा हो गया 341। आगे देखिए जो SC वर्ग है इसमें सबसे बड़ी जाति की अगर बात करें तो वहां आपकी जाटव है। कौन सी है? जाटव। इसकी उपजातियां भी है तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो जाटव है इसका जो मुख्य कार्य रहता है वो चर्म शिल्प का रहता है, ठीक है। तो जाटव आपकी सबसे बड़ी SC अर्थात अनुसूचित जाति हो जाएगी, ठीक है। आगे अगर बात करें इसके प्रतिशत की बात करें तो इसका प्रतिशत हमारे राज्य में जो कुल अनुसूचित जाति है उसका 49.10% है। कितना? 49.10%। तो यहाँ हमारे राज्य में SC का प्रतिशत हो जाएगा, सॉरी ये जो जाटव जाति है इसका प्रतिशत हो जाएगा, जो कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हमने क्या देखा, प्रतिशत देखा, वृद्धि देखी, आर्टिकल देखा, उसके बाद हमने देखा कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो अब आगे देखते हैं कि हमारे जो जिले हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाई जाती है, सबसे कम कौन से जिले में पाई जाती है, इसकी साक्षरता कितनी है, तो वो सारे हम धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं। जब देखें कि जनसंख्या के आधार पे जो सर्वाधिक किसी जिले में पाई जाती है तो वो वहां पाई जाती है आपकी इंदौर में। ध्यान रखिएगा यहाँ जनसंख्या के आधार पे, प्रतिशत के आधार पे नहीं है। तो जनसंख्या के आधार पे सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी आपकी? इंदौर में। और न्यूनतम कहाँ पाई जाएगी आपकी? झाबुआ में। तो यहाँ तो हो गई आपकी जनसंख्या के आधार पे। एक और फैक्टर यही कंप्लीट कर लेते हैं
ये प्रतिशत की जब बात करेंगे तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा आपकी उज्जैन जिले में पाई जाएगी, और अगर कम की बात करेंगे तो वहां आपकी इस झाबुआ में ही पाई जाएगी। तो झाबुआ आपका प्रतिशत और जनसंख्या दोनों के आधार पर हो जाएगा। और यहाँ पे जब अधिक की बात करेंगे तो अधिक में आपका इंदौर जनसंख्या के आधार पर और उज्जैन प्रतिशत के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा था कि जो उज्जैन में प्रतिशत के आधार पे यहाँ प्रथम स्थान पे, तो वहां कितना था, वहां था आपका 26.4%। कितना? 26.4%। ये आंकड़े याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत के हिसाब से उज्जैन में जो एससी पाई जाती है वह 26.4% है, और जो न्यूनतम जो कि हमारे झाबुआ जिले के अंतर्गत पाई जाती है वहां 1.7%। क्या भाई? 1.7%। अब आगे देखते हैं जिले, ऐसे पांच जिले जहां पे एससी हमारी ज्यादा पाई जाएगी, तो उसमें सबसे पहले आएगा आपका इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना। इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना, ये जिले ऐसे हैं जहां पे एससी आपकी सबसे ज्यादा पाई जाएगी। इसी प्रकार जब प्रतिशत की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रतिशत में आपका उज्जैन हो जाएगा, जो हमने देख लिया था कितना था, 26.4% आपका उज्जैन जो कि सबसे ऊपर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका दतिया, टीकमगढ़ और शाजापुर। तो ये जो जिले हैं ये प्रतिशत के आधार पर हो जाएंगे और ये जिले आपकी जनसंख्या के आधार पर हो जाएंगे। अगला जब हमने यह देखा कि ये तो सर्वाधिक वाले हो गए, अब न्यूनतम वाले की जब बात करें तो सबसे पहले जब जनसंख्या के आधार पर देखें तो झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला और बड़वानी। फिर से देखें, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला और बड़वानी, जहां आपकी जनसंख्या के आधार पर हो गए। अगला होता है आपका प्रतिशत के आधार पर, अर्थात प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम एससी किन किन जिलों में पाई जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला और इसमें जाएगा डिंडोरी। तो यहाँ पे अगर देखें एससी में, तो एससी में दोनों जगह सिमिलरिटी पाई जा रही है, अर्थात जनसंख्या के आधार पर भी और प्रतिशत के आधार पर भी, तो अधिकतर सेम मिल रहा है। जैसे झाबुआ यहाँ भी है, यहाँ भी, अलीराजपुर, अलीराजपुर, मंडला, मंडला, यहाँ पे सिर्फ बड़वानी और डिंडोरी चेंज हुआ है। तो अधिकतर जो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे 3 अंक तक ही पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा जब लिटरेसी रेट की बात करें तो इनका लिटरेसी रेट होता है 58.6%। कितना हो जाएगा आपका? 58.6%। और एससी में अगर सबसे ज्यादा शिक्षित किसी जिले में पाए जाएंगे तो वहां रहेगा आपका बालाघाट। कौन सा जिला? बालाघाट। तो बालाघाट आपका एससी वर्ग में सबसे ज्यादा शिक्षित हो जाएगा। अब आगे बात करें इसके लिंगानुपात की, तो सेक्स रेशियो की जब बात करते हैं तो इसका लिंगानुपात हो जाएगा 920, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है, और 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो यहाँ 905 था, अर्थात इसमें भी 15 का इंप्रूवमेंट हुआ है। आज कितना है? 920 है, और पहले कितना था 2001 में? 905। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रेजेंट में लिंगानुपात कितना था, 920 बता देंगे, और अगर आपसे पूछा जाता है पर्टिकुलर भी बोलते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो आप बोलेंगे 905। अब क्या था कि हमने यहाँ एससी वर्ग की जो प्रतिशत थी वहां देखी, लिटरेसी देखी। अब देखते हैं जो एससी वर्ग के अंतर्गत जो जाति सम्मिलित है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली थी हमारी जाटव, जिसको हम बोलते हैं चर्मकार। क्या होते हैं? चर्मकार। ये रही आपकी, तो यहाँ जो है आपकी सबसे बड़ी हो गई, इसका प्रतिशत देखा था 49.10% हमने देखा था। तो क्या कि ये जो चर्मकार जाति है जो कि राज्य की सबसे बड़ी है, तो इसके कुछ उपजातियां भी, उपजातियों को देखें तो चमाली, बेखा, साकी, जाटव, मोची, रागर, नोना, रोहिदास, सतनामी, सूर्यवंशी और रेदास, ठीक है। तो यहाँ इसकी उपजातियां हो जाएगी। इसी प्रकार अगली आती है खटीक, जो कि हमारे राज्य की दूसरी बड़ी अनुसूचित जाति है। इसके बाद आती है भंगी, जो कि हमारे 16% है। इसके बाद आती है बलाई, जो कि 12% है। अब आखिरी में आती है बेड़िया, जो बेड़िया जाति है यहाँ आपके सागर जिले में पाई जाती है मुख्य रूप से, और इनका जो अगर पेशे की बात करें तो वैश्यवृत्ति के पेशे से जुड़ी हुई है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई जिसका नाम था जवाली योजना।
सरकार द्वारा इनको इस वेश्यावृत्ति के पेशे से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई जिसे रखकर नाम दिया गया जवाली योजना। तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाएगा यहाँ पे कि जवाली योजना किससे रिलेटेड है, तो आप सीधा बता देंगे कि बेड़िया जनजाति से। तो इस प्रकार हमारे जो अनुसूचित जाति वाला टॉपिक है वहाँ कंप्लीट होता है। अब ये जो टॉपिक है इसके अंतर्गत या फिर इसको हम फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज के रूप में देख लेते हैं ताकि एक बार फिर से मेमोराइज हो सके। तो इसकी जब कुल बात करें तो 1,30,42,320 इसकी जनसंख्या के आधार पर हो जाएगी, अर्थात जो हमारे राज्य में जनसंख्या है उसमें इतनी यहाँ पाई जाएगी। इसके बात करें तो यह जो है ये हमारे राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें तो यहाँ आपका 15.60 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं देश में एससी का प्रतिशत 16.6% है। आगे जब बात करें 2001 में तो 2001 में जो एससी का प्रतिशत 15.2 था जो कि आज बढ़ के 15.6 हो गया। आगे बात करें वार्षिक वृद्धि दर की तो वार्षिक वृद्धि दर हो जाएगी यहाँ पे 23.9% हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने देखा आर्टिकल, आर्टिकल में क्या था कि आर्टिकल 341 अर्थात 341 जो आर्टिकल है उसमें जो जातियां सम्मिलित की गई है वहां आपकी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। इसके बाद देखा कि सबसे बड़ी जो अनुसूचित जाति थी वहां जाटव थी जो कि चर्म शिल्प से जुड़ी हुई थी। प्रतिशत हमने देखा था कि 49.10% इसका हो गया था। आगे देखा हमने जिले, सबसे अधिक किसी जिले में पाई जाएगी जनसंख्या के आधार पर तो वहां आपका इंदौर हो जाएगा और प्रतिशत के आधार पर हो जाएगा आपका उज्जैन। उज्जैन जब प्रतिशत के आधार पर है तो यहाँ कितना प्रतिशत है, 26.4%। इसी प्रकार आता है आपका झाबुआ, तो झाबुआ ऐसा जिला है जहाँ पे आपकी जनसंख्या और प्रतिशत दोनों के आधार पे कम पाई जाएगी, तो जब प्रतिशत की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.7%। कितना हो जाएगा, 1.7%। इसके साथ साथ हमने देखा था कि कुछ जिले हैं सिक्वेंस में हमने देखे 3-4 जिले जहाँ पे इनका प्रतिशत या फिर जनसंख्या के आधार पर अधिक मिलने वाली है, तो वो थे आपके इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना। यहाँ आपके जनसंख्या के आधार पर हो गए, प्रतिशत के आधार पर देखा तो उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़ और शाजापुर हो जाएगा। इसी प्रकार जब प्रतिशत के आधार पर देखा या फिर सबसे पहले जनसंख्या के आधार पर देखें न्यूनतम में तापा, झाबुआ, अलीराजपुर, उसके बाद हो जाएगा आपका मंडला और बड़वानी। इसी प्रकार आपका प्रतिशत में देखा तो झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला और यहाँ पर जाएगा आपका डिंडोरी। अगला बात करा था हमने लिटरेसी, तो लिटरेसी की जब बात करी तो एससी वर्ग में जो साक्षरता है वहाँ आपकी 58.6% हो जाएगी और सबसे अधिक साक्षर जिले की अगर बात करेंगे तो वहाँ आपका बालाघाट हो जाएगा। लिंगानुपात देखा तो लिंगानुपात यहाँ पे 920 है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है, और 2001 की जब बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका 905। आप इसका एक क्वेश्चन बनेगा कि 2001 से लेकर 2011 तक की जनगणना के बीच में जो सेक्स रेशियो का डिफरेंस कितना है, तो आप सीधा सीधा बता देंगे 15। कितना हो जाएगा, 15 सर्वाधिक देखिए। इसके बाद हमने जो अनुसूचित जाति थी उनमें कौन कौन से सम्मिलित है उनको देखा, तो सबसे पहले देखे थे हमने चरमगा जो कि सबसे बड़ी है, तो इसमें किस किस को शामिल किया गया, तो चमारी, बेखा, साखी, जाटव, मोची, रागर, नोना, रोहिदास, सूर्यवंशी, ठीक है, सतनामी, रेदास, ये जो थी आपकी ये जो चरमकार जाति है इसकी उपजाति हो जाएगी इतनी, ये सब हो जाएगी इसकी उपजाति। आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ें। अगला आता है आपका खटीक, खटीक आपकी जो दूसरे नंबर की हो जाएगी। इसके अलावा जब बात करें भंगी तो यहाँ आपकी 16% हो जाएगी, बलाई की बात करें तो 12% हो जाएगी। इसके बाद थी आपकी एक बेड़िया जनजाति जो कि सागर जिले के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के पेशे से जुड़ी हुई है, तो उनको इससे मुक्ति दिलाने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई थी और उस योजना का नाम दिया जवाली योजना। क्या नाम दिया, जवाली। तो आपसे जवाली योजना से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा अनुसूचित जाति वाला जो टॉपिक है वहाँ